एलिफेंट्स, प्रिंसेस कट ब्लाउज की डबल अस्तर के साथ अंडरग्राउंड स्टिचिंग में जो दूसरी सेकेंड वीडियो है उसमें आपका स्वागत है। ये देखिए, मैंने आपको मेन सिलाई स्टिचिंग करके उस पर पाइपिंग दिखाई थी और अब हमारी जो साइड की दो प्लेटें हैं वो दिखा रही हूँ। ये प्लेट हमारी ऊपर से हाफ, जो जितना हमारी लेंथ होती है आगे के फ्रंट की, उसमें हाफ पे निशान लगा लीजिए और इसको आप 2.5 इंच ऊपर तक इस प्लेट को लगा सकते हैं। आप सीधी लगा सकते हैं या आप चाहें तो तिरछी भी लगा सकते हैं। तो ये हमने बीच से बिल्कुल बीच के स्थान से और 2.5 इंची तक लंबाई ये सामने की प्लेट डाली है और साइड वाली प्लेट को हम थोड़ा नीचे से 3 इंची की दूरी से और 5 इंची तक लंबा इस प्लेट को डालते हैं। इस प्लेट को आप 0.5 इंच 1 इंच ऊपर नीचे भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये हमारी प्लेटें, किंतु इन प्लेटों की जो चौड़ाई है 0.5 इंची और जो लंबाई है 5 इंची होनी चाहिए साइड की प्लेट की, और जो फ्रंट की प्लेट होती है उसकी जो लंबाई है 2.5 इंच होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, किंतु ये प्लेटें डालने बहुत ज़रूरी है। अब हम सामने वाली जो पट्टी है, ये हमारी गड़ाई की पट्टी है और एक हमारी खूब की पट्टी है। इन दोनों पट्टियों को सेटिंग करेंगे और दोनों पट्टियाँ लगाने के बाद हम इनकी जो शोल्डर की सिलाई है अंडरग्राउंड सिलाई मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप बिल्कुल ध्यान से मेरी वीडियो को, पूरी वीडियो को देखें। सारी जो सिलाइयाँ होंगी गुम सिलाइयाँ होंगी, अंडरग्राउंड पेकिंग सिलाइयाँ होंगी। तो आप इस प्रकार से पेकिंग सिलाइयाँ सीख करके अपने ब्लाउज को बहुत सुंदर, बहुत यूनिक बना सकती हैं। तो ये हमने दोनों प्लेटें लगा ली हैं। अब देखिए, आपने अभी तक, बहनों और दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। ये अंडरग्राउंड सिलाई की दूसरी वीडियो है। और देखिए, पहले आप सबसे पहले नीचे जो हमारा साइनिंग वाला अस्तर है, ये पीछे का पार्ट है, बैक पार्ट है, और इसमें हमने अस्तर का कट नहीं ज्वाइंट किया है। देखिए, इसमें जो कच्ची सिलाई की है हमने साइनिंग वाले कपड़े की, ये अस्तर का पार्ट है, ये अलग है। तो सबसे पहले हम नीचे अस्तर के पार्ट को लगाएंगे। अस्तर के पार्ट के ऊपर जो हमारे आगे के पार्ट्स जो हमने पैकिंग किए हुए हैं, अस्तर के पार्ट को अस्तर के पार्ट पे रखेंगे और जो साइनिंग वाला पार्ट्स है साइनिंग पार्ट, ये देखिए ये अस्तर का पार्ट्स है, ये अस्तर अस्तर के पार्ट पे, और जो नेट का पार्ट है नेट के पार्ट पे लगाएंगे और फिर इनको स्टिचिंग करेंगे। ध्यान रखें, अस्तर के पार्ट को अलग रखें ताकि जो गुम सिलाई करें, पैकिंग सिलाई करें, तो अस्तर का पार्ट फोल्ड होके आगे की साइड में आ जाए। जो अपनी जिस साइड में उसको जाना है, जॉइंट होना है जिस पार्ट के अंदर, वो उस पार्ट के अंदर चला जाता है। तो आप अस्तर के बैक साइड के अस्तर के पार्ट को अलग रखें ताकि गुम सिलाई आराम से आप कर सकें। देखिए नीचे, फिर अस्तर का पार्ट, उसके बाद में बीच का पार्ट है, अस्तर के पार्ट पे अस्तर का पार्ट और जो नेट का पार्ट है उस पर नेट का पार्ट लगा करके, और तीन सिलाई, तीन पार्ट की ये एक साथ में सिलाई करेंगे तो ये हमारी सिलाई गुम सिलाई हो जाएंगी, अंडरग्राउंड सिलाई होगी, पैकिंग सिलाई होगी। और इसको मैं खोल रही हूँ, आप देखिए आराम से ये हमारी सिलाई हो चुकी है। और अब देखिए, जो अस्तर का फोल्ड है उसको हमने पीछे के, जो हमारा पीछे का पार्ट था उस पर ले गए हैं। जब हम अस्तर के पार्ट को पीछे के पार्ट पे ले जाएंगे तो वो जो सिलाई होती है वो बीच में चली जाती है और हमारी सिलाई पैकिंग सिलाई हो जाती है। ये अस्तर अस्तर से जॉइंट हो चुका है और आगे की जो नेट के पार्ट थे वो नेट के पार्ट, ये देखिए सिलाई अंदर चली गई है। इस प्रकार से आप एक दो बार करेंगी, आपको पूरा अच्छे से अनुभव हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और अब हम जो पीछे का पार्ट पैकिंग नहीं किया हुआ था, तो अब देखिए अस्तर को हम पैकिंग कर रहे हैं। जो पीछे का पार्ट था उस पर साइनिंग वाला कपड़ा ज्वाइंट किया हुआ था और अब हम इसके जो अस्तर का हमारा पार्ट था उसको ज्वाइंट कर रहे हैं। तो ये हमारे तीनों, एक अस्तर का पार्ट, एक साइनिंग वाला पार्ट और एक नेट का पार्ट, तीनों ज्वाइंट हो चुके हैं, तीनों एक हो चुके हैं। इसी प्रकार से हम दाएं बाएं दोनों साइड में इसको पैकिंग कर लेते हैं। अब देखिए, मैं आपको बाजू, जो हमारी बाजू होती है इसको हम कैसे पैकिंग सिलाई करते हैं। तो देखिए, ये नेट वाला पार्ट है, बाजू का भी नेट वाला पार्ट है, बाजू में भी हमने अस्तर ज्वाइंट नहीं किया है। इस नेट वाले पार्ट को नेट वाले पार्ट पे ऐसे लगा दीजिए। आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट ध्यान रखिए कि हमारी आगे की बाजू कौन सी है और पीछे की बाजू कौन सी है, ये सब बातें ध्यान में रखते हुए आप बीच की सिलाई को बीच में, बिल्कुल बीच में लगा दीजिए। और जो ऊपर देखिए, अब सुत्ती का अस्तर आ चुका है, तो इस पे हम सुत्ती वाला जो बाजू का है अस्तर,
जो सुत्ती पे सुत्ती लगाएंगे और जो नेट वाला पार्ट है उस पे नेट वाला पार्ट लगाएंगे। तो ये तीन पार्ट हमारी सिलाई करेंगे। ये बाजू के दो पार्ट्स है, ऊपर नीचे जो पार्ट्स है वो बाजू के पार्ट्स है और बीच में हमारा ब्लाउज के पार्ट्स हैं। तो आप बाजू के जो ऊपर नीचे पार्ट्स हैं वो जब हम सिलाई अंदर करेंगे तो दोनों बाहर आकर के और फिर हम इनको साथ में स्टिचिंग कर लेंगे। अभी जो पार्ट्स है वो अलग अलग हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर बाजू की साइनिंग वाला पार्ट है और नीचे बाजू का अस्तर वाला पार्ट है। और जब हम इन दोनों को एक साथ करेंगे तो ये देखिए सिलाई अंदर चली जाएंगी। इस प्रकार देखिए आप, ये दोनों बाजू के आगे के पार्ट, ये पीछे का। अब जैसे ही हमने अस्तर को फोल्ड किया सिलाई अंदर चली गई है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, बहुत सुंदर लगती है। ये देखिए पूरी पैकिंग सिलाई है, गुम सिलाई है, कहीं आपको सिलाई नजर नहीं आएगी। आगे की प्लेट्स में और हमारे शोल्डर में और हमारी बाजू की सिलाई में। इसी प्रकार हम दूसरी बाजू लगाएंगे। ये नीचे जो अस्तर था उस पर अस्तर का पार्ट लगा दिया और ऊपर नेट वाले पार्ट पे नेट वाला पार्ट लगा दिया है। तो तीनों पार्ट्स इसी प्रकार से स्टिचिंग करेंगे जैसे पहले किए थे। सुत्ती पे सुत्ती कपड़ा लगा दीजिए, जैसे सुत्ती जो हमारा पार्ट है उस पर सुत्ती पार्ट लगाइए और जो नेट वाले पार्ट पे नेट वाला पार्ट ज्वाइंट करके और इस प्रकार फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग तक के साथ हमारी अंडरग्राउंड सिलाई हो जाती है। बाहर से भी बहुत सुंदर है, अंदर से भी बहुत सुंदर हमारा ब्लाउज इस प्रकार से अंडरग्राउंड सिलाई से पैकिंग हो जाता है। तो दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। और ये देखिए हमारी पैकिंग सिलाइयाँ आपको मैंने पूरी आसानी से दिखा दिया है। बाजू की जो दो नीचे के पार्ट्स हैं, एक अस्तर वाला सूती का पार्ट, एक अस्तर वाला साइनिंग वाला पार्ट, इन दोनों को आपस में हल्का सा फोल्ड कर लें और फिर बाजू के ऊपर की साइड में इसको स्टिचिंग कर लें। क्योंकि हम बाजू आगे की साइड में जो वर्क है बाजू को हम मोड़ नहीं सकते, इसको फोल्ड नहीं कर सकते, इसलिए हमने जो अस्तर के पार्ट थे उनको मोड़ करके स्टिचिंग कर ली है और फिर बाजू के ऊपर स्टिचिंग इनको कर दिया है। तो ये भी हमारी पैकिंग सिलाई हो चुकी है। और ये सारी जो हमारी सिलाइयाँ देखिए, सारी की सारी मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल पैकिंग सिलाइयाँ हैं। और जो आप देखिए बाहर वाली मार्जिन वाली जो हमारी सिलाइयाँ हैं उनको भी हम सीधी, जो हमारा ये देखिए सीधी साइड में हम इसकी सिलाई करेंगे, बिल्कुल सीधी। ये हमारी सुलटी साइड है और इस पर हम सीधी बिल्कुल एकल लॉन्ग सिलाई करेंगे। और लॉन्ग सिलाई करके एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है उसकी कटिंग करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करके फिर हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ये भी हमारी पैकिंग और गुम सिलाई हो जाएंगी। तो इस प्रकार आप जब पूरे ब्लाउज को देखेंगे तो हमारी पूरे ब्लाउज में पैकिंग की सिलाई चलेंगी और बहुत सुंदर सिलाई चलेंगी। और जो नीचे की मोड़ाई है उसको भी हम सूती कपड़े से पट्टी लगा करके और उसको तुरपाई की पट्टी लगाएंगे। तो ये देखिए ये आप इस पर हम ये जो नीचे की मैं है आपको पट्टी लगा के दिखा रही हूँ, तो इससे नीचे की जो है खुला हिस्सा वो भी कवर्ड हो जाता है। और ये तुरपाई की हमारी पट्टी इसको हमने फोल्ड कर लिया है और अब हम मार्जिन दे करके और साइड वाली जो हमारा नैप है उस नैप के हिसाब से इस पर स्टिचिंग करेंगे, इसको फिक्स करेंगे। और ये जो हमारी पीछे की प्लेटें होती हैं बीच से 4 इंची दूरी दाएं भाग में, 5 इंची तक ऊंचाई तक ये प्लेटें लगती हैं, फिर बीच से बाएं साइड में 4 इंची की दूरी पर ये जो देखिए बीच का निशान है, बीच के निशान से दाएं बाएं साइड 4-4 इंची की डिफरेंस से और स्पेस से और 5 इंची लॉन्ग हमारी ये दोनों प्लेटें डलेंगी। और इन प्लेटों के बाद में ये साइड वाली हमारी मार्जिन की जो सिलाई है, जो हमने 2-2 इंची मार्जिन लिया था उसकी सिलाई हम डायरेक्ट सिलाई लगाएंगे, फुल लंबी लॉन्ग सिलाई। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट अवश्य करें, आपकी पूरी पूरी समझ में आया होगा ऐसा मुझे विश्वास है। और भी आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं। तो ये हमारी पूरी ब्लाउज के नेप की सिलाई है, इसको हमने मार्किंग कर लिया है। आप भी इसी प्रकार मार्किंग करके और सिलाई करें। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट जरूर करें। और इसी प्रकार से मेरी आगे आने वाली नई वीडियो देखते रहें और नए नए अनुभव से अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड देखिए अभी तक आपने, एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि आपने मेरी जो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी प्रकार से आपको नॉर्मली जो हमारे ब्लाउज होते हैं
उनको कटोरी वाले ब्लाउज को पैकिंग की या जो अंडरग्राउंड सिलाई की किस प्रकार से करते हैं वो भी आपको वीडियो दिखाऊंगी, उनके फुल प्रोसेस बताऊंगी। तो जुड़े रहिएगा मुझसे निरंतर और यूं ही मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ये जो लास्ट की सिलाई होती है वो नेक की पाइपिंग की होती है, तो इसको हमने उरे पट्टी से स्टिचिंग करके और हल्की हल्की पाइपिंग बाहर रखते हुए और सीधी सिलाई से पाइपिंग लगा ली है। तो थैंक यू दोस्तों एंड ऑल द बेस्ट।